नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खास और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि माँ काली के अंश होते हैं आपकी राशि के तीन लोग, और दोस्तों यश में इनके जीवन में अपार खुशियों की प्राप्ति होंगी। दोस्तों आपको बता दें कि स्वयं माँ काली की असीम कृपा आपके जीवन पर यशमय होने वाली है, और दोस्तों यश में आपको कई क्षेत्रों से लाभ की प्राप्ति होगी। कई बड़ी खुशखबरियाँ आपके इंतजार कर रही है और कई शुभ समाचार से आप अपने दिन को बेहतर बना पाएंगे। दोस्तों यह समय आपके जीवन में ऐसी खुशियों की प्राप्ति होगी जिससे आपका मन प्रसन्न होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा गदगद होने वाले हैं। दोस्तों यश में आपके घर का माहौल में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। दोस्तों यश में आपके कार्यक्षेत्र में भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्तों आपको बता दें कि बॉस यश में आपकी सहायता करेंगे और आपको नई अथॉरिटी भी यश में मिलने वाले हैं। दोस्तों यश में आपके कार्यक्षेत्र में आपका नाम, इज्जत, प्रतिष्ठा और पद प्राप्ति की भी संभावना बन रही है। दोस्तों यश में माँ काली के आशीर्वाद आपके प्रत्येक क्षेत्र पर होगा। दोस्तों घर का पारिवारिक जीवन भी यश में बहुत मधुर रहने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें कि घर के माहौल में भी खुशियों भरा वातावरण रहने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों यश में माँ काली के आशीर्वाद से आपके घर के माहौल में कुछ ऐसे बदलाव होंगे, कुछ ऐसी बड़े परिवर्तन होंगे जिनसे दोस्तों आपके घर के सभी लोग बहुत ज़्यादा यश में प्रसन्न रहने वाले हैं। दोस्तों यश में बता दें कि यश में आपको धन दौलत की भी प्राप्ति होगी। दोस्तों आपने पिछले समय जो भी पेशे किसी चीज़ में निवेश किए हैं उनका भी इसमें परिणाम आने वाले हैं, और दोस्तों कई उपलब्धि यश में आपको उनसे मिलने वाली है। दोस्तों इसमें आपको बता दें कि माँ काली के आशीर्वाद से आपके जीवन में कुछ ऐसे बड़े सुनहरे अवसरों को भी आप प्राप्त कर सकते हैं जिनमें आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन दोस्तों इसमें आपको यकीन करते हुए अपने आप पर धैर्य बनाकर रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसमें माँ काली का आशीर्वाद आपके जीवन पर है। ऐसे में दोस्तों इसमें आपको सावधान रहने की भी जरूरत होगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी विस्तार से बताएंगे कि यश में आपको कौन सी खुशखबरियाँ मिलने वाली है, कौन से बड़े बदलाव आपके जीवन पर होने वाले हैं और क्या क्या सावधानी आपको यश में रखनी होगी। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, ग्रह गोचर पर निर्मित है तो इन्हें अंत तक देखना आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आवश्यक होंगे, तो इन्हें अंत तक देखिएगा। उसी पर दोस्तों माँ काली के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माँ काली लिख दें, माँ काली का सच्चा आशीर्वाद आपके जीवन पर होगा। और दोस्तों चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि माँ काली से जुड़े और आपकी राशि से जुड़े सभी जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं। दोस्तों यश में आपके व्यक्तित्व और वाणी द्वारा लोग आपसे प्रभावित होंगे। सामाजिक तथा पारिवारिक लोगों की तरफ से विशेष मान सम्मान भी यश में आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों घर में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के आगमन से किसी मुद्दे पर सकारात्मक विचार विमर्श भी यशमय होने वाले हैं। और दोस्तों आपको बता दें यश में आपकी सावधानी क्या होगी। दोस्तों कभी कभी आपके बहुत ज़्यादा आत्मकेंद्रित होने से या फिर ईगो की भावना रखने से आपसे संबंधों में कुछ तनाव भी आ सकते हैं। दोस्तों किसी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी कोई भी योजना शेयर ना करें, अन्यथा धोखाधड़ी भी हो सकती है। दोस्तों इन सब चीज़ों से यश में आपको सावधान रहने की जरूरत होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में जो जिम्मेदारी आपने खुद को कर ली थी, दोस्तों आपको बता दें कि उसी जिम्मेदारी संबंधित आपका उत्साह भी यश में कम होगा और काम संबंधित रुचि भी कम होने की वजह से काम की क्लैरिटी पर इसका असर दिख सकता है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों पर यश में आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। परिवार के लोगों के प्रति आपकी नाराजगी भी बढ़ेगी। जब तक बात को आप खुलकर नहीं बोल पाएंगे तब तक लोगों को आपके विचार समझ पाना कठिन हो सकता है। तो दोस्तों सभी के साथ खुलकर बोलें, ये आपके लिए यशमय बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि यशमय भाग्य उन्नति के शुभ अवसर भी बन रहे हैं। दोस्तों कुछ समय से चल रही चिंताओं से आपको राहत मिलेगी। परिवार के लोगों की हर छोटी बड़ी बातों को जो है जरूरत पूरा करने में आपको आनंद प्राप्त होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में कुछ विरोधी भी आपके ऊपर हावी होंगे, परंतु आपका अहित यश में नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि जल्दबाजी और अति उत्साह में बना बनाया खेल भी बिगड़ सकता है। यश में संतान का अड़ियल तथा जिद्दी रवैया भी आपको परेशान कर डालेगा। धैर्य और संयम से काम लें, सब काम सही होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि आपके आसपास के लोगों पर विश्वास बनाए रखना आपके लिए कठिन होगा, जिसकी वजह से आप हर एक काम खुद से ही पूरा करके ही कोशिश करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि परिवार के लोगों द्वारा मिल रही आलोचना की वजह से जो है उनके प्रति कटुता आपकी बढ़ सकती है। यदि आपको अपनी निर्लय क्षमता पर विश्वास है तो दोस्तों आपको अपने निर्लय पर डटे रहना ही उचित होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय
आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि परिवार में सुख शांति आपके लिए प्राथमिकता भी रहेगी। दोस्तों कामकाज और फिर परिवार में बेहतरीन तालमेल भी बना रहेगा। विशेष सामाजिक व्यक्ति का सानिध्य आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा भी उत्पन्न कर सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि बच्चों तथा युवा अपने लक्ष्य के प्रति इसमें आकर्षित भी रहेंगे। इसके बाद दोस्तों यह समय वाहन या फिर घर की देखभाल संबंधी कार्यों में खर्चा भी बढ़ेगा। अपने बजट का भी ध्यान अवश्य रखें। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों की वजह से कोई महान हानि होने की शंका भी लग रही है। दोस्तों अपनी महत्वपूर्ण चीज़ों अथवा पेपर्स बहुत अधिक संभाल कर रखें, ये आपके लिए समय बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में एक से अधिक बातों की जिम्मेदारी आपके ऊपर आने की वजह से और परिस्थिति पूरी तरह आपके खिलाफ होने की वजह से आपके अंदर जो है कन्फ्यूजन हो सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें प्रैक्टिकल विचार रखकर आप जो है काम करने की आवश्यकता आपको होगी। भावनाओं को यश में आप जो है अधिक महत्व ना दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि जो समय होंगे आपके लिए लाभदायक समय होगा। किसी भी कार्य तथा मेहनत के उचित परिणाम भी इसमें आपको हासिल होंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी संबंधी विवाद चल रहा है तो दोस्तों उसे सुलझाने का उचित समय है। विद्यार्थियों को भी शिक्षा व फिर करियर से संबंधित समस्या से राहत मिलेगी। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आर्थिक मामलों में काफ़ी सोच विचार कर निर्णय लें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों किसी भी प्रकार की जो है भविष्य संबंधी योजनाएं बनाते समय अपने ही निर्णय को प्राथमिकता दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दूसरों की बातों में आने से आपको परेशानी आ सकती है, इस बात का आपको इसमें ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि भाइयों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखना इसमें आपकी जिम्मेदारी होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे दोस्तों व्यापार संबंधी बातों में यह समय आपको फायदा नजर आएगा। दोस्तों यह समय खुद को बेहतरीन बनाने का प्रयत्न आपके द्वारा भी किए जाएंगे, जिसके लिए आपको उचित मार्गदर्शन भी यह समय प्राप्त होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय अगर आपकी करियर को लेकर बात करें अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों यह समय आपके करियर के लिए जो समय होंगे कार्य क्षेत्र में यह समय आपको अपनी काबिलियत प्रदर्शन करने का मौका भी मिलेगा। और दोस्तों मार्केटिंग संबंधी कार्यों में भी कोई बड़ा ऑर्डर यह समय आपको मिल सकता है। पेमेंट मिलने संबंधी कार्य भी इसमें सफल नहीं होंगे, धैर्य तथा संयम बनाकर रखें, ये आपके लिए इसमें बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके करियर के लिए जो समय होंगे आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे दोस्तों व्यवसाय के प्रति आपके ठोस निर्णय सकारात्मक रहेंगे। यह समय कामकाज में नई उपलब्धियां आपका इंतजार भी कर रही है। दोस्तों आपको बता दें कि अपनी योग्यता व फिर प्रतिभा के बल पर कोई उपलब्धि भी इसमें आप हासिल करने में सक्षम रहेंगे। सिर्फ अत्यधिक मेहनत करने की इसमें आवश्यकता होगी, तो दोस्तों अपने कार्यों पर जो अपने ध्यान को इसमें जरूर केंद्रित रखें। इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके करियर के लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि काम काज के लिए लिए गए ठोस निर्णय व फिर महत्वपूर्ण निर्णय आपके लिए कामयाब रहेंगे। सिर्फ अधिक मेहनत व फिर परिश्रम करने की जरूरत होगी। दोस्तों आपको बता दें कि कार्य विस्तार संबंधी योजनाओं पर एक बार पुनर्वित विचार करना आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों यह समय पैसे लगाते समय बजट का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों ये सब चीज़ आपके व्यवसाय के लिए इसमें बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि अभी व्यवसायिक गतिविधियों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने का प्रयत्न भी आप ना करें, क्योंकि दोस्तों यश में रुके हुए पेमेंट का कलेक्ट करने का तथा आर्थिक स्थितियों को मजबूत करने का समय होगा। दोस्तों नौकरी पेशा लोगों को फोन द्वारा कई उचित जो है महत्वपूर्ण सूचना भी मिल सकते हैं, जिससे आपका मन यश में गदगद रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों पारिवारिक सदस्यों के साथ मनोरंजन संबंधी कार्यों में भी समय व्यतीत होगा तथा घर में मेहमानों के आगमन से भी चहल पहल भरा माहौल रहने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि परिवार में किसी बात को लेकर गलतफहमी भी हो सकती है। प्रेम संबंध भी यश में मर्यादित रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे दोस्तों यश में पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा, लेकिन प्रेम संबंधों के चलते घर में किसी प्रकार की कड़वाहट का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों हो सके तो यश में प्रेम संबंधों से दूरी बनाकर रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। पति पत्नी तथा घर के सदस्य भी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे। प्रेम संबंधों में भी किसी प्रकार की नकारात्मक बातों की दूरियां आ सकती है, तो दोस्तों इन सभी यश ये जो समय है आपके लिए प्रेम संबंधों से दूरी बनाकर रखें। और इसके बाद दोस्तों यश में अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, कभी कभी कमजोरी और थकान की स्थिति भी यश में रह सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे आपके हेल्थ के लिए जो समय होंगे दोस्तों स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें,
एलर्जी अथवा मौसमी बीमारियों के संकेत भी इस समय मिल रहे हैं और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि वर्तमान सकारात्मक वातावरण की वजह से आप लापरवाही ना बरतें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए समय बेहतर होंगे।